बच्चा कैसे हैं आप? मैं हूं बायो मैम और ये है आपका चैनल बायो मैम, अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग, जहां आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म। दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, बिकॉज वी फील एवरी मोमेंट। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बच्चों इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। तो योर फर्स्ट थिंग जो इसमें हम सीखेंगे दैट इज इनहेलेशन, एंड सेकेंड थिंग इज द एक्सहेलेशन। जानेंगे विच बॉडी पार्ट्स एसोसिएटेड विथ इट, दैट इज रिब्स एंड डायफ्राम। इसके साथ साथ ही थोड़ी फिजिक्स भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट ब्रीदिंग। बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं बताऊंगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे सर्कुलेशन। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बिकॉज हमारा रेस्पिरेशन कंटिन्यू है, रेस्पिरेशन चैप्टर कंटिन्यू है और उसमें हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेलेशन को हम लोग इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है बाहर से ऑक्सीजन अंदर, मीन्स कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन क्या आता है अंदर की तरफ आता है, हमारे लंग्स में जाता है। एक्सहेलेशन को हम लोग बोलते हैं, एक्सहेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपिरेशन, जिसमें क्या होगा एक्स मीन्स एग्जिट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। बट ये सारी जो एक्टिविटी है ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, ये ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं। ऑफ कोर्स दिस इज अ फिजिकल मूवमेंट, ब्रीदिंग इज द फिजिकल मूवमेंट इन विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। बट फिर भी ये अपने आप तो कुछ होगा नहीं, तो क्या है जिससे ऑक्सीजन मूव करता है, अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है? तो बच्चों एक फिजिक्स है। फिजिक्स में हम क्या जानते हैं कि कभी भी जो गैस है वो कैसे मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मीन्स गैस मूव्स थ्रू द प्रेशर ग्रेडियंट। फिजिक्स के रूल्स कभी चेंज नहीं होते हैं, ये रूल्स हमारा बायो में भी यूज होगा। सेकेंड थिंग इज द, हम जानते हैं बॉयल्स लॉ को, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो पी घटेगा, पी घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके अब हम देखेंगे थोरेसिक कैविटी के स्ट्रक्चर को और तब देखेंगे कि रिब्स एंड डायफ्राम कैसे हेल्प करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी। हमारा जो लंग्स है, बिकॉज ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद द लंग्स, मतलब जब कभी भी ब्रीदिंग की बात होगी तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। अंदर कहाँ जाएगा? अंदर हमारे लंग्स में जाएगा। हमारा लंग्स कहाँ है? थोरेसिक कैविटी में। तो सबसे पहले हम लोगों को थोरेसिक कैविटी के स्ट्रक्चर को समझना है। थोरेसिक कैविटी का स्ट्रक्चर क्या है? तुम्हारा जो भी बॉडी पार्ट है, तुम अपने बॉडी पार्ट को फील करो,
तुम्हारा बॉडी पार्ट आगे की तरफ बेंड होता है। जो बॉडी पार्ट आगे की तरफ बेंड होता है, जिस साइड बेंड होता है, दैट साइड इज कॉल्ड द वेंट्रल पार्ट। जैसे देखो ये तुम्हारा हाथ है, ये हाथ कहाँ फोल्ड हो रहा है? आगे की तरफ। तो दिस इज द वेंट्रल पार्ट एंड दिस इज द डॉर्सल पार्ट विच इज द बैक साइड। तो इस तरह हमारे बॉडी में हमारा जो फ्रंट का पार्ट है दैट इज द वेंट्रल पार्ट, और जो हमारा बैक साइड है दैट इज द डॉर्सल पार्ट। हमारे वेंट्रल पार्ट में क्या होता है? स्टर्नम होता है। ओके, जो हमारा आगे का पार्ट है बॉडी का, वहां होता है स्टर्नम। ऐसे स्टर्नम रहेगा। ओके, और यहां ये बैक साइड मैं नहीं बना पा रही हूं, तुम ऐसे देखो कॉलम कॉलम, दिस इज द बैक साइड। ओके, विच इज कॉल्ड द डॉर्सल पार्ट। यहां रहेगा तुम्हारा स्टर्नम, चूंकि यहीं पे आके खत्म हो जाएगा तो मैं यहां तक बनाती हूं इसको। दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, जो तुम्हारा कहां है? बैक साइड में। दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। ओके, ये तुम्हारे बैक साइड में है, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? ये तुम्हारा क्या है? स्टर्नम। अब आगे स्टर्नम से और पीछे के साइड में वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स अटैच्ड होते हैं, जिसके अंदर हमारा लंग्स सुरक्षित रहता है। ये इस साइड इस तरह से ऐसे हमारा रिब्स रहेगा। ओके, ये अटैच रहेगा इस तरह से, इस तरह से। कितने रिब्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। ओके, 12 पेयर्स। ओके, ऐसे ये हाइलिंग कार्टिबेस से अटैच रहता है। ऐसे से करके 1 to 12 होते हैं, जिसमें लास्ट में जाकर दो जो होता है 11th और 12th पेयर जो होते हैं दैट इज द फ्लोटिंग रिब्स। 1 2 3 4 ये चलो मैं ऐसे ही बना दे रही हूं। ये लास्ट में दो पेयर जो होता है दैट इज द फ्लोटिंग रिब्स। इस साइड से भी ऐसे ही रहेगा। और इसके बीच में ये मैं स्टर्नम हटा देती हूँ, वर्टिब्रल कॉलम को भी आगे लिख देती हूँ। ओके, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये रिब्स है। मैं कंप्लीट 12 नहीं बनाई हूँ, बट इट इज 12 इन नंबर्स, और लास्ट में ये फ्लोटिंग रिब्स होता है दैट इज 2 इन नंबर। इसके अंदर ही हमारा जो होता है वो लंग्स जो होता है वह सुरक्षित रहता है, बट यहां उसका काम नहीं, इसलिए मैं उसको छोड़ देती हूँ। अब ये रिब्स के पास, ये जो यहां होता है दैट इज द इंटरकोस्टल मसल्स, ये सब जो होंगे दैट इज द इंटरकोस्टल मसल्स। बिकॉज ये कहां रहता है? ये थोरेसिक कैविटी में रहता है। दिस इज स्टर्नम, ये थोरेसिक कैविटी में रहता है। यहां पे क्या रहेगा? डायफ्राम। ओके, डायफ्राम। ये सबके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, अब देखो अब क्या होगा, जो ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनके बीच में जहां रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स है रिब्स के बीच में, ये इंटरकोस्टल है रिब्स के बीच में, ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब हम इनहेलेशन की बात करेंगे, इनहेलेशन कैसे होगा? इनहेलेशन में ये इंटरकोस्टल मसल्स जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इंटरकोस्टल मसल्स
क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो रिब्स है तुम्हारा ये फैलेगा, ऐसे फैल जाएगा, ओके ऐसे फैल जाएगा, मूव करेगा, क्योंकि हमारा डायफ्राम भी क्या करेगा, इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ओके इनहेलेशन की कंडीशन में बता रही हूं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तुम्हारा रिब्स केज जो है वह क्या होता है, आउटवर्ड्स फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स मूव कर जाता है। दिस इज आउटवर्ड्स, दिस इज फॉरवर्ड एंड दिस इज अपवर्ड्स, मूव करता है। और हमारा जो थोरेसिक कैविटी जो होता है उसका साइज, ये डायफ्राम मान लो है, दोनों साइड से समझ जाओ, ये डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मसल्स ऐसे उसको खींचता है, तुम्हारा ये जो रिब्स है ऐसे मूव करता है, हमारे अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तब इनहेलेशन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर क्या होगा, बॉयल्स लॉ में मैं बताई थी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ओके अब जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो अंदर की, अंदर जो है हमारा प्रेशर डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो जो बाहर का हवा है O2 वो क्या हो जाएगा, इनसाइड अंदर चला जाएगा। ओके ये कंडीशन है हमारा इनहेलेशन का। ओके मैं इनहेलेशन का इसका थोड़ा फॉरवर्ड आउटवर्ड एंड अपवर्ड कैसे मूव होता है बता देती हूँ। ये तुम्हारा वॉल्यूम जो है वह ऐसे बढ़ जाएगा, ओके ऐसे वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा इनहेलेशन वाले कंडीशन में। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और अंदर की हवा बाहर आ जाएगी। ओके क्लियर, यहां पे इंटरकॉस्टल मसल्स होता है बीच में, क्लियर ये सब जहां भी तुम्हारे गैप है इस सब इंटरकॉस्टल मसल से ज्वाइंट रहते हैं। अब हमारा क्या होगा, एक्सहेलेशन, ये तो इनहेलेशन हो गया, अंदर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई में चला गया, एल्वियोलाई जो है ऑक्सीजन ब्लड को दे दिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड फिर एल्वियोलाई में छोड़ दिया, तब अंदर जो है हमारे थोरेसिक कैविटी में किसका वॉल्यूम हो गया ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब अब यहां क्या है CO2। अब CO2 कैसे रिलीज होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स अब क्या हो जाएगा, इंटरकॉस्टल मसल एक्सहेलेशन में कुछ नहीं करेगा, सब अपने अपने पोजीशंस पे आ जाएगा, देर इज नो चेंज इन द इंटरकॉस्टल मसल्स पोजीशंस एंड द डायफ्राम, रिलैक्स हो जाएंगे, ओके रिलैक्स हो जाएगा, डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, विल कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे दोनों, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीजेस, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा बोलो, इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। अब तो भाई प्रेशर अंदर का बढ़ गया है, वॉल्यूम भी कम हो गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो भी गैस है, तो गैस क्या है अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको रिलीज करेगा और क्या हो जाएगा, इसमें CO2 बाहर निकल जाएगा एक्सेलेशन में। तो ये था हमारा प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है,
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हो गया, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, तो इसका यूज क्या है? ओके, तो अब इसको हम लोग देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, डेट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, चलो ओके बच्चों, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, क्योंकि इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर आ गया, अंदर आ गया तो वो एल्वियोलाई में तो रुकेगा नहीं ऑक्सीजन, तो क्या होगा उसका, उसका क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ, वो ब्लड के साथ डिसॉल्व होगा, जाएगा हार्ट में, नाउ वी विल स्टडी, एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ गया है, बट ये लंग्स में वहीं तो रुक कर रहेगा नहीं, लंग्स के एल्वियोलाई में आया, ओके, लंग्स के एल्वियोलाई में अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, बाहर चला गया, इसके अंदर में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। चलो यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लड वेसल्स आया कहाँ से, हार्ट से, हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसमें अभी CO2 ज्यादा है, मैं लिख देती हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इससे तुम लोग समझ जाओगे कि यदि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है इसका मतलब कि इसमें CO2 क्या है, ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी ज्यादा होगा, डेट इज 104 mmHg, CO2 कम है और इसका प्रेशर कितना होगा 40 mmHg, ओके, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, CO2 का प्रेशर कितना रहेगा यहाँ पे 45 mmHg, ओके, ऑक्सीजन का प्रेशर रहेगा 40 mmHg, क्लियर। अभी हम लोग रूल्स पढ़ चुके हैं, जहां प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ गैसेस मूव करेंगे, तब क्या होगा, O2 मूव कर गया यहाँ और CO2 चला गया यहाँ, क्लियर ये चीज। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, ये ब्लड है, ब्लड में हमने क्या पढ़ा था, ये आरबीसी, ओके, आरबीसी में क्या होता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन, और उस हेमोग्लोबिन में चार हेम होते हैं और उसके साथ ऐसे ग्लोबिन लगे हुए होते हैं, ठीक है, यहां बता रही हूं, देख लो ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, एक हेमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर है, ये हेम होता है और दिस इज द ग्लोबिन, दिस इज ग्लोबिन, क्लियर, एक हेमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पे आएंगे तो ये है प्लाज्मा, ध्यान से देखना, ये ब्लड है तो ब्लड में प्लाज्मा भी है, ब्लड के कंपोनेंट है प्लाज्मा एंड आरबीसी, ये आरबीसी, आरबीसी में तुम्हारा हेमोग्लोबिन है, प्लाज्मा में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ये 3% ही सॉल्युबल होगा, 3% सॉल्युबल इन प्लाज्मा, ठीक है भाई, ये यहाँ पे घुल गया, डिसॉल्व हो गया, बट क्या होगा, बाकी जो ऑक्सीजन होगा 97% आरबीसी के पास जाएगा कि भाई हमें ले चलो, हम ये वाटर के साथ ऐसे स्विम करके नहीं जाना चाहते हैं, ये आरबीसी के पास जाएगा, तब ये आरबीसी के हर हीम पे ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे यहाँ पे ओटू मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है, तो देखो एक हेमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और अब ये कहाँ जाएगा, और ब्लड क्या हो गया, ये यहां से ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, क्लियर, क्योंकि अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन है,
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा? फिर हार्ट के पास, है ना, जो हम लोग पल्मोनरी आर्टरी में देखते थे। अब यहां से एओर्टा के थ्रू ब्लड जाएगा किसके पास? सेल के पास। सेल इज वेटिंग फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि सेल तो हमेशा एवरी मोमेंट इट विल यूज एटीपी, एनर्जी को यूज करता जाएगा, तो उसके पास हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और वह वेट करता रहेगा कि उसको ऑक्सीजन आए ऑक्सीजन आए। तो ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। जब ये आएगा ब्लड ऑक्सीजन को लेकर, ये तुम्हारा आरबीसी था, ओके, ये तुम्हारा प्लाज्मा था। आरबीसी के पास हम लोग देख चुके थे, है ना, क्या था, क्या अटैच था? O2 अटैच था। तो सेल तो यही सोचेगा ना कि चलो ये O2 लेकर आया तो हमें दे देगा, और यहाँ पे क्या था, 3% O2 था, तो ये तो उसको दे देगा, ये चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा सेल में। बट 3% O2 का सेल बेचारा क्या करेगा, उसको तो बहुत ज्यादा ATP चाहिए, ये छोड़ने वाला नहीं, बिकॉज ये जो हेमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए। और एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे, जब O2 हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, तो देन इट फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्लियर? तो आप देखो क्या करेगा, सेल भी कम बदमाश नहीं है, वो बोलेगा तुम मत दो मुझे O2, मुझे CO2 तो चाहिए नहीं, तो ले जा अपना CO2, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भेज देगा, फेंक देगा सारा कचरा फिर ब्लड में। जैसे CO2 इंटर करेगा, ये CO2 जैसे इंटर किया, ऑक्सीजन का तो हमने क्या देखा था, 3% डिजोल्व था ना प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा है, इसको माइंड इट, ओके, और ये तुम्हारा आरबीसी है, इसको ध्यान देना। CO2 का 7% प्लाज्मा में सॉल्युबल हो जाएगा, बच गया कितना, 92-93, ऐसे ही वेग में बताते हैं बुक में भी, इसके पास आके अटैच हो जाएगा, किसके पास, ग्लोबिन के पास। यहाँ पे देखो ये ग्लोबिन है स्ट्रक्चर, ओके, अटैच हो गया, फिर भी ये बहुत रिजिड है, कौन, हेमोग्लोबिन, बोलेगा मैं नहीं छोड़ने वाला, तुमको लटकना है मेरे साथ लटक जाओ। CO2 अब तो बच गया, 70% CO2 बच गया, क्योंकि ये वाला जो था ये तो बस कितना था, 22-25% ही था, बच गया 70%। 70% CO2 क्या करेगा, अब इसके पास कोई उपाय नहीं है, तो ये CO2 जो यहाँ पे H2 है उसके साथ कंबाइन करके H2CO, एक सेकेंड, RBC को मैं थोड़ा और बड़ा बना दू, कार्बोनिक एसिड बना देगा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, जैसे H2CO3 बनता है इट इज अनस्टेबल, फिर ब्रेक हो जाता है तुरंत, किसमें, H+ में और HCO3 कार्बोनेट में, ओके, क्लियर। जब CO2 की कमी होती है तो फिर ये कंबाइन करके रिवर्स होके कार्बोनिक एसिड एंड देन अगेन CO2 और H2O बना देता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब तुम एक बात देखो, यहाँ पे H+ कार्बोनेट, तो H+ का जैसे अमाउंट यहाँ बढ़ने लगेगा RBC में, तब तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड तो एसिडिक हो जाएगा, तो ये RBC ऐसा करने नहीं देता है, ये H क्या करेगा, फटाफट आके इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ये भी H+, और इस H+ क्या होगा, तब यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होगा H+ का, इसलिए हमारे ब्लड की एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, और इसलिए हम लोग RBC को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन, ओके। अब यहाँ तो गदर मच गया भाई, क्राउडेड एकदम रस, ये बोलेगा हेमोग्लोबिन यार ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया, इट इज टू मच, तो ये क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन को ये लास्ट में रिलीज कर देगा कि जाओ भाई थोड़ा कुछ खाली करो जगह,
एक फिर भी ये एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को छोड़ रहा है, बाकी तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये लेके ही जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, क्या समझे इससे तुम? ये ब्लड अभी क्या हो गया, ऑक्सीजन छोड़ दिया और CO2 इसके अंदर आ गया। ब्लड हमारा हो गया है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन इसमें फिर भी कितना है ऑक्सीजन के, कितने थे, चार मॉलिक्यूल्स। चार मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल्स निकल गया, तो अब कितने बच गए, थ्री मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हो गया, 75% ऑक्सीजन जो रहता है, 75% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, बट स्टिल इट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड इन दिस। ओके, अब ये HCO3 भी आने रहेगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये माइनस है ना, ये निगेटिव आयंस है, तो इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस होगा नहीं, इसलिए क्लोराइड इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसके रिवर्स में क्या होता है, अब जब ये ब्लड चला, ये ब्लड अब कैसे चला, यहां से जब ये मूव किया, तो डेट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो अब ये ब्लड जो आया यहां पे, ये क्या है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसको छोड़ो, इसकी कहानी खत्म करो। अब मैं तुमको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड समझाती हूं। चलो अब हम ट्रांसपोर्ट, अभी तक हमने क्या समझा, ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। अभी ये जितनी कहानी हुई, ये सब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की कहानी थी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये मैं नहीं रखती हूं, क्योंकि इन सबका जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ओके, क्लियर, नॉट क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 में क्या होगा, अच्छा सूखने दो यार। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 में क्या होगा, यहां तक की तो कहानी तुमको समझ में आ गई थी। ये CO2 को लेकर चला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही आरबीसी की कहानी, फिर यहां भी इसके पास क्या है, हेम है और ग्लोबिन है, यहां पे क्या है, CO2 है, ठीक है भाई, और यहां पे क्या है, H प्लस है, और इसके पास क्या है, O है, और एक CO2 मॉलिक्यूल्स यहां भी है। ओके, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज होना स्टार्ट होगा। जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना स्टार्ट होगा, तब तो क्या हो जाएगा, यहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगा, अब यहां पे ऑक्सीजन आने लग जाएगा। जब ऑक्सीजन यहां आने लग जाएगा, तब ये CO2 रिलीज होगा, रिलीज होगा तब क्या करेगा, यहां जो H प्लस अटैच हो उसको भी छोड़ेगा। जब H प्लस अटैच है उसको छोड़ेगा ये आरबीसी में, तब फिर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, तो जो HCO3 था बाहर था वो अंदर आना स्टार्ट होगा फटाफट। अंदर आएगा तो H जो है इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना देगा, मैं पहले ही बताई थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बना देगा H2CO3। H2CO3 फिर ब्रेक हो जाएगा H प्लस एंड CO2 में, और फिर CO2, और जो क्लोरीन, फिर CO2 कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, और जो क्लोरीन इसके अंदर था बोला भाई अब मैं निकलता हूं, क्योंकि मेरा क्या काम है, जब HCO3 अंदर आ ही गया है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा था ना। ओके, आया समझ में, ये क्या था हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से लेकर चला कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ आया, अभी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है यहाँ पे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रेशर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होने लग गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होने लग गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आके अटैच होने लग गया। तो ये जो कार्बोनिक एसिड था हमारा, जो कार्बोनेट यहाँ अंदर चला गया था बाहर, अब कमी होने लगी ना, क्योंकि H+ भी यहाँ से रिलीज होने लग गया। तो H+ बहुत ज्यादा यहाँ पे एसिडिटी फिर बढ़ने लग जाएगा, तो फटाफट HCO3 अंदर से आके H+ के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और कार्बोनिक एसिड फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन और CO2 में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन एंड CO2 में ब्रेक हो जाएगा। ये देखो थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं इसको बड़ा लिख देती हूँ। ये हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर है, ये देखो यहां से ब्रेक होता है किसमें, H प्लस प्लस CO2 में। ओके, तो इस तरह से हमारा साइकिल चलता रहता है। और जब CO2 कंबाइन करता है हेमोग्लोबिन के साथ तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन लगता है कि बोल दें, लेकिन प्लीज कतई नहीं बोलना कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, क्योंकि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या है, CO प्लस हेमोग्लोबिन। जब हम CO प्लस हेमोग्लोबिन बोलेंगे तो डेट इज कॉल्ड द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन चैप्टर, और यही तुम्हारा रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो। गुड बाय ऑल ऑफ यू।